क्या आप जानते हैं कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर शुरुआत से ही गर्भवती महिला के शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो शिशु के विकास में प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ ही प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था के शुरुआत से ही अगर आप पोषक तत्वों के ऊपर ध्यान देते हैं, ज़रूरी पोषक तत्व अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे शिशु का सही विकास हो पाता है और शिशु का मानसिक विकास तेज़ी से होता है। साथ ही आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते और नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो जानते हैं वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर वन, विटामिन सी। क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था के दौरान आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन सी की कमी से आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती है, बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और आपको कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन या वायरल बहुत जल्दी पकड़ लेता है और यही खतरा शिशु को भी रहता है। तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी ना हो तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, किन्नू, जो खट्टे फल होते हैं इनमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्रोकली, आप आंवले को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, कीवी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो इनको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। नंबर टू, कैल्शियम। शिशु के शारीरिक विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए गर्भवती महिला को डॉक्टर द्वारा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि महिला के शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो और उनके शरीर से शिशु तक कैल्शियम की कमी ना पहुंचे। इसके लिए आप किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपको एक दिन में 1 लीटर दूध पीना चाहिए, तब जाके आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। मगर बहुत सारे लोग दूध नहीं पी सकते और 1 लीटर दूध तो पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। आप किशमिश अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आप रागी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। रागी में 3 गिलास दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, तो रागी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मखाने, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, इसी के साथ दालों का सेवन भी कीजिए। इन सारी चीज़ों से आपको कैल्शियम की कमी नहीं होती है, तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। नंबर थ्री, फॉलिक एसिड और आयरन। क्या आप जानते हैं शिशु के विकास के लिए फॉलिक एसिड और आयरन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपके शरीर में इन दोनों की कमी होती है तो शिशु तक भी ज़रूरी मात्रा में फॉलिक एसिड और आयरन नहीं पहुंच पाते, जिससे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए जिससे आपको फॉलिक एसिड और आयरन की कमी ना हो। साथ ही डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए आपको सप्लीमेंट्स देते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड और आयरन सबसे ज़्यादा होता है, तो आप हरे पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हरे रंग की जो दिखने वाली सब्जियां होती हैं, शिमला मिर्च, लौकी, आप ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, भिंडी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आप मूंग की दाल को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर आप अंकुरित मूंग की दाल लेते हैं तो वो और अच्छी होती है, तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही डाइट में सब्जी, अनाज को भी शामिल करें। आयरन की कमी ना हो इसके लिए आप अनार ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, खजूर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, छुआरा ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों में आयरन और फॉलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। नंबर फोर, अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, साथ ही आपकी जो डाइट है इसमें सारे पोषक तत्व हों, इसके लिए आप कैसा भोजन लें। सबसे पहली चीज़ कि आपको घर पर बना हुआ हेल्दी भोजन लेना है। आपको बाहर का अनहेल्दी फूड, प्रोसेस फूड, प्रिजर्वेटिव फूड या प्रिजर्वेटिव जूस, ये बाहर का कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए। इन सभी में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता, साथ ही इन चीज़ों का सेवन करने से आपके शिशु के विकास में बाधा आती है, आपके शिशु के विकास में प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं। तो आपको बाहर का कोई भी चीज़ नहीं लेनी है प्रेगनेंसी के बाद।
साथ ही अब आप अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल कीजिए। आप अनाज लीजिए, आप गेहूँ, चावल, रागी, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसी के साथ दालों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप जितनी भी दालें होती हैं उनको बनाकर उनको खा सकते हैं। इसी के साथ कुछ दालें हैं जिनको अंकुरित करके भी खा सकते हैं, तो आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। आप फल लीजिए, आप सब्जियां लीजिए। रंग बिरंगे फल और रंग बिरंगी सब्जियों में भी बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होता है, तो आपको इस तरीके के फल और सब्जियां लेनी चाहिए। साथ ही दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जैसे आप छाछ लीजिए, आप दही लीजिए, आप मक्खन लीजिए, घी लीजिए, आप दूध पी सकते हैं तो दूध लीजिए। इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। खाना खाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि खाने में बहुत अधिक तेल, बहुत अधिक मसाले, बहुत अधिक मिर्च ना हो। साथ ही कैफीन, अल्कोहल, इन चीज़ों से आप दूर रहिए। इसी के साथ बैंगन, करेला, कटहल, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि आप इन सब्जियों को अवॉइड करें। अगर आपको बहुत अधिक मन होता है तो डॉक्टर से परमिशन लेके, राय लेके उसके बाद ही इन चीज़ों का सेवन करें। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। फेसबुक या यूट्यूब पे अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई और सवाल हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।